हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मीनाक्षी मोटी चैनल पर। और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहला। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से, क्योंकि फाइव फाइव का हमें बड़ा टाइम है ब्रेकिंग टाइम, तो मिस्टर वर्मा जी का जो भी सोए पड़े हुए, जैसे उठते दर सुबह हम करते हैं ब्रेकफास्ट। और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। ये फेरी वाले बेचने वाले ना बिल्कुल मुझे व्लॉग ही नहीं बनाने देते, जब देखो तब गुड मॉर्निंग। कौन आया? गुड मॉर्निंग डुग्गी लाल। अभी नहीं किया, अभी हम उठ ही रहे हैं। ये कौन है? देख मामा कितनी देर हो गया, देख अभी उठ रहा मामा। और ये कौन है? कौन खाएगा? अच्छा, आपको क्या देखना है वीडियो में बताओ तो सही। क्या देख रहे हो आप वीडियो में? कैमरे में ये देखो, हेलो, ये क्यूट वाली स्माइल आ गई। आप अपने को यूट्यूब में देखते हो डुगी? हैं? मम्मी से बोलो दिखाना मेरे को भी। तो अभी नहाना धोना हो चुका है, स्नान स्नान, और अब टाइम है नाश्ते का। नाश्ते में है आज आलू के पराठे। आज उठने में लेट हो गई, 11 बजे नाश्ता कर रहा हूँ। पराठों के साथ है चाय और अचार। तो करते हैं नाश्ता। और कनवाल जी कर रही हैं यहाँ, तूने पहना क्या है? सूट के नीचे पजामा कौन सा पहन रखे? कंफर्टेबल पजामा। ऐसा कौन पहनता भाई? यार गर्मी ऐसी हो रही। तूने पौधे नहीं लगाए अपने? उसे छोड़ो, जो भी ले जो, तुमने ये लुक दे रखा ना, ये सूट के नीचे से वो पजामे वाला, सूट के नीचे से शरारा वाला, ये तुम्हारे फैशन वीक में जा सकता है। ना बकवास लोग। गर्मा गर्म पराठे सासू माँ के हाथ के। टाइटल थंबनेल लिए डालना आज। पहले से बचपन में ना, जब 11th 12th में पढ़ते थे, रोज़ संडे को रोज़ पराठे खाने वाला हूँ। सुबह सुबह खेला, सुबह सुबह खेला, उसके बाद आके 10-12 पराठे खा जाता था मैं। क्यों मैं? और ना? ना। क्या कह रहा हूँ? पहले से आके 10-12 पराठे खा जाता था जो संडे के दिन ना। मम्मी बनाते बनाते परेशान, अरे कितने खाएगा करके। अब देखो, अब 2-3 खाने ही मुश्किल हो जाता है, बुढ़ापा आ गया। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया? मेरा कल पता है आपकी सब सब आपकी वजह से हुआ है। एक चीज़ बोलो, क्या आपने बोला कि चार पत्ती और आपको गमले में सही होता है। हाँ, मेरा ये पेट पता है तुरंत ही नीचे से ऐसी बारी बारी वाले कीड़े लगे हैं। अब मुझे बताओ कि इसकी दवा कोई मुझे सजेस्ट कर। कौन सा पेड़ है? फूल जो अंदर रखा मैंने, इंडोर वाला प्लांट। तो वो तो ठीक हो गया था? हाँ ठीक हो गया। एक तीन प्रोसेस में कर लिया टाइप की, तीसरी वाली कर ली थी नीचे से। कल मेरे को बारीक बारीक से कीड़े की तरह सड़ गया नीचे वाला पानी सब। और सब आप It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you.
क्या बन रहा भाई? सूजी ऐसी लग रही, सूजी का हलवाई बन रहा होगा, और क्या बनेगा? हमारी आवाज नहीं आती वैसे ब्लॉग में, सब यही बोलते हैं, आवाज नहीं आती बिल्कुल, तेज बोला करो ना थोड़ा, जय बात जोर से बोलो, बोलो जय बात। पुराने जोक के मारते, नए जोक नहीं आते तुमको, कुछ नए जोक मारा करो, तुमसे ज्यादा आवाज तो पीछे वाली की आंटी की आ जाती, उनके घर से आ जा रही है, तुम्हारे अपने घर से आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बुलंद आवाज दिखाऊंगी। आज का क्या स्पेशल प्रोग्राम है? आज का है कद्दू का अचार। कद्दू का अचार बनाया जा रहा है भाई। आज मौसी आ रही है तो उनके लड़के के लिए, अंकित के लिए, अंकित के फेवरेट डिश लो, ये क्या सब्जी है? भांगा पीसा जा रहा है आज। हमारे लिए थोड़ी सी चटनी निकाल देना भांगे की, गुड़ के साथ। पहले नॉर्मली आलू की सब्जी बनती है इसकी, नहीं मतलब कद्दू की, फिर उसके बाद डालते उसमें लास्ट में, बाद में डालते इसको, गुड़ को गोला होता है, कल रहा कद्दू हमारा, तो आज खाएंगे हम कद्दू का अचार। चावल खाएंगे इसके साथ, रोटी खाएंगे? चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, जो आपका मन करे। अपन चावल खाएगा इसके साथ। तो कैसी है यार? तो फिलहाल करते हैं ऑफिस का काम। आजा, आजा, आजा। डांस जैसा क्या कर रही हो? आओ जल्दी आओ। जाता करोगी मेरे साथ? मेरे साथ मजाक करोगी? डरपोक खुद ही लग गई तुमको। तुमने मास्टर शेफ को फिर याद कर लिया पनीर बनाने के लिए? तो फिर से आज हमने पनीर बना रखा है क्या? हाँ जला रखा, जला रखी, वो जल रहा है। तो यहाँ बन रहा है हमारा पनीर और यहाँ बन चुका है कद्दू का अचार। कहाँ है कद्दू का अचार? भांगे वाली सब्जी। अचार बोलते हैं इसको, भांगे वाली सब्जी थोड़ा बोलते हैं, कद्दू का अचार मीठा और खट्टा होता है ना, इसलिए अचार बोलते हैं इसको। टेस्टी तो होगा ही, और हम हो गए पसीने से लथपथ किचन में काम करते करते। I need you when your heart next to mine, yeah, I'm all about.